नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यूटीबी संविदा आधारित भर्ती को लेकर कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर फिक्स किए हैं। क्या कुछ हैं वो पैरामीटर्स, आइए इस जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान को पत्र लिखा है और कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सकों, जीएनएम, द्वितीय पैरामेडिकल स्टाफ के स्पष्ट रिक्त पदों को यूटीबी आधार पर भरने के संबंध में इन्होंने कहा है कि इस विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 27 अप्रैल 2021 के द्वारा आपके जिले में उपलब्ध चिकित्सा अधिकारी, जीएनएम द्वितीय और पैरामेडिकल स्टाफ के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता अनुसार कोरोना वायरस के नियंत्रण अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने से पहले जो भी पहले हो तक जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार यूटीबी पर चिकित्सकों, जीएनएम द्वितीय, पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। अतः विभागीय पत्र क्रमांक दिनांक 27 अप्रैल के निरंतरता में सभी जिलों में भर्ती की समान प्रक्रिया अपनाई जाने के लिए निम्नानुसार कार्रवाई करनी है। तो दोस्तों, यहां पर विभाग ने बोला है कि अलग अलग जिला कलेक्टर द्वारा अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है इस भर्ती को लेकर, लेकिन आपको एक समान प्रक्रिया अपनानी है। किस प्रकार से चयन करना है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर एमओ का चयन करना है तो चयन में पीजी, एमडी मेडिसिन, एमएमडी एनेस्थेसिया वाले चिकित्सक का सर्वप्रथम चयन किया जाएगा। शेष एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाकर चिकित्सकों की चयन सूची बनाई जाएगी। इसके अलावा नर्सिंग पैरामेडिकल कर्मियों के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत प्लस टेक्निकल योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा। चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। जो चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी या पैरामेडिकल स्टाफ पूर्व में कोविड-19 में कार्य कर चुके हैं उनको चयन सूची में यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, किस प्रकार से चयन करना है, एमओ का चयन करते समय पीजी, एमडी मेडिसिन और एमडी एनेस्थीसिया वाले जो एमओ हैं उनका सर्वप्रथम चयन करना है। शेष जो एमबीबीएस होल्डर हैं उनका चयन बाद में करना है। इसके अलावा नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के लिए शैक्षणिक और टेक्निकल योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाया जाकर चयन किया जाएगा। चयन सूची में जो स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं उनको वरिष्ठता दी जाएगी, प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा जो चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ पूर्व में कोविड-19 में कार्य कर चुके हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता भी दी जाएगी। जिला कलेक्टर उपरोक्त चयन सूची तैयार कर चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ का चयन करते हुए चयनित चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं तत्काल प्रारंभ कर निदेशालय को कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रेषित कर रहा है। इसके अलावा यूटीबी में चयनित चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ का कार्योत्तर अनुमोदन निदेशालय स्तर से ही यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सेवाएं प्रारंभ करके निदेशालय को उनकी सूची भेजनी है और निदेशालय द्वारा उनका अनुमोदन यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों, सभी जगह एक समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें कोविड-19 में कार्य कर चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ में टेक्निकल और शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। एमओ का चयन करते समय पीजी, एमडी मेडिसिन, एमडी एनेस्थीसिया वाले चिकित्सक का सर्वप्रथम यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो दोस्तों, निदेशालय ने एक समान प्रक्रिया अपनाने के लिए यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स जारी किए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।